नमस्कार, मैं प्रज्ञा धादा, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में सर्दी का सितम जारी है। बढ़ती ठंड और कनकनी के कारण सुबह और शाम के वक्त लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। मौसम विभाग ने इस सीजन में पहली बार प्रचंड ठंड को लेकर अलर्ट किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जनवरी से पछुआ के प्रभाव से कनकनी बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। राज्य के कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। वहीं आगामी 11 जनवरी तक कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान है। देश विदेश का हर भारतवासी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। वहीं अमेरिका में भारतीय प्रवासी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दरअसल कैलिफोर्निया इंडियंस ग्रुप 20 जनवरी को भगवान श्री राम के घर वापसी का जश्न मनाने के लिए एक विशेष कार रैली का आयोजन कर रहे हैं। आयोजकों ने कहा है कि 400 से अधिक कारें रैली में शामिल होंगी, जिसके साउथ बे से प्रतिष्ठित गोल्डन गेट ब्रिज तक जाने की उम्मीद है। गया जिले में कोरोना संक्रमण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दर्जनों लोगों का कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। एक विदेशी पर्यटक का कोरोना पॉजिटिव निकलना और गलत पता लिखवाना भी परेशानियों का सबब बन गया है। एक बौद्ध श्रद्धालु सहित जिले के बेलागंज प्रखंड के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इस संबंध में गया के सिविल सर्जन रंजन कुमार ने बताया कि गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बीते दिन एक विदेशी पर्यटक का सैंपल कोरोना जाँच के लिए किया गया था। अमेरिका ने 52 साल चांद पर जाने का सपना पूरा किया। अमेरिका दुनिया के पहले प्राइवेट मनु मिशन के तहत पेरिग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश बना। एस्ट्रोबोटिक नामक कंपनी ने इस मिशन को विकसित किया है। बता दें कि इस मिशन को भारतवंशी वैज्ञानिक लीड कर रहे हैं। पेरिग्रीन लैंडर पर नासा का सिर्फ यंत्र लगा है। इसके साथ ही यान अपने साथ कई वैज्ञानिक पेलोड के अलावा मानव अस्थियां भी लेकर जा चुका है। इस मिशन का भारत से गहरा नाता है। बिहार की राज्य सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में चाय की खेती करने पर सूबे की सरकार किसानों को 50% तक की सब्सिडी दे रही है। कृषि विभाग के मुताबिक चाय पत्ती की ढुलाई पर 50% का अनुदान मिलेगा। अगर चाय की खेती पर प्रति हेक्टेयर प्रति यूनिट 4,94,000 का खर्च आता है तो ऐसे में सब्सिडी के तौर पर किसान को 2,47,000 रुपए की मिलेंगे। यह राशि सरकार 2 किस्तों यानी 75 और 25 के अनुपात में देती है। बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को बांग्लादेश के शीर्ष चुनाव निकाय की सावधानी पूर्वक योजना बनाने और हाल ही में संपन्न चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सराहना की। वहीं अमेरिका ने हजारों राजनीतिक विपक्षी सदस्यों की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए इस बात पर जोर दिया कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं थे। अमेरिका ने इस बात पर खेद जताया है कि सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। 6 माह पहले निरीक्षण शुरू हुआ था तो 65% स्कूल ऐसे मिले जहां पर बच्चों की उपस्थिति आधी से भी कम थी। आज ऐसे स्कूलों की संख्या 65% से घटकर 0.29 रह गई है। आंकड़े पहली से 12वीं तक के स्कूल के हैं। इनमें प्रारंभिक स्कूलों का 0.24% और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का 0.70% है। मालूम हो कि 1 जुलाई 2023 से स्कूलों में प्रतिदिन निरीक्षण का कार्य शुरू हुआ। इसमें मुख्य रूप से यह देखा गया कि स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति क्या है। भारतीय सेना ने 10 से ज्यादा युद्धपोत समुद्र में उतार दिए हैं। अरब सागर और अदन की खाड़ी में इन्हें तैनात किया गया है। वहीं सभी युद्धपोत मरीन कमांडो और आधुनिक हथियारों से लैस है। तैनात किए जहाजों में INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS चेन्नई, INS मोर्मुगाओ, INS तलवार और INS तरकश शामिल है। इस तैनाती की वजह हूती विद्रोही और समुद्री डाकू बताए जा रहे हैं। रोहतास में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने राम मंदिर को लेकर कहा था कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और स्कूल का रास्ता प्रकाश दिखाता है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर हिंदू शिव भवानी सेना आहत हैं। हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह रुद्र ने पटना के कोतवाली थाने में मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए थानाध्यक्ष को आवेदन दिया है। भारत पहली बार यूनेस्को की वैश्विक धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यूनेस्को में भारत के कई अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। भारत 21 से 31 जुलाई तक इस समिति की अध्यक्षता करेगा। वैश्विक धरोहर समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है। समिति वैश्विक धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन को देखती है। राष्ट्रों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ सोमवार को भारतीय हज यात्रियों की सहायता करने वाले भारतीय स्वयंसेवकों से मुलाकात की और भारत के उमराह पर जाने वाले यात्रियों के साथ भी बातचीत की। ईरानी ने सोशल मीडिया पर कहा, सऊदी अधिकारियों के सहयोग से आज मदीना में पैगम्बर की अल मस्जिद अल नववी, उहुद पर्वत और इस्लाम की पहली क्यूबा मस्जिद के बाहरी क्षेत्र की यात्रा की। ये सभी स्थान इस्लामी इतिहास के प्रारंभिक चरण से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की गहराई को रेखांकित करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में रहने वाले दक्षिण एशियाई और इंडो कैरेबियाई समुदाय के हिंदुओं के लिए भी जश्न मनाने का अवसर है। एडम्स अपने से सहायक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान के साथ शहर के गीता मंदिर में आयोजित माता की चौकी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।
अगर आप अयोध्या जा रहे हैं और IRCTC ऐप के जरिए टिकट बुक करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। टूरिस्ट और श्रद्धालु अगर AIR.IRCTC.CU.IN और IRCTC ऐप के जरिए अयोध्या के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो उनको ₹500 तक का डिस्काउंट मिलेगा। यह जानकारी IRCTC ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप 2024 में IRCTC ऐप और वेबसाइट के जरिए राम की नगरी अयोध्या के लिए टिकट बुक करते हैं तो आपको छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जाने के बाद से इस भारतीय द्वीप के बारे में सर्च 3400% बढ़ गई है। भारत मालदीव विवाद के बीच यात्रा संबंधी सेवाएं देने वाले प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप ने सोमवार को यह खुलासा किया है। मेक माई ट्रिप ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हमने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद से लक्षद्वीप के लिए प्लेटफॉर्म पर सर्च में 3400% की वृद्धि देखी है। तिरुपति के लड्डू प्रसाद की तरह अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को भी जल्द ही GI टैग मिलने की संभावना है। इसके लिए चेन्नई स्थित GI कार्यालय में प्रस्ताव भेजा है, जहां इसे सोमवार देर शाम स्वीकार कर लिया गया है। पद्मश्री से सम्मानित और GI मैन के रूप में विख्यात डॉक्टर रजनीकांत ने कहा, यह हमारे लिए बहुत गौरवशाली दिन है। सिडबी लखनऊ उत्तर प्रदेश के वित्तीय सहयोग से अयोध्या हनुमानगढ़ी लड्डू के GI टैग के लिए आवेदन किया गया है, जिसे सोमवार को स्वीकार कर लिया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार रात ब्रिटेन पहुंचे हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री अपने समक्ष रक्षा राज्य सचिव ग्रांट सॉप्स के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राजनाथ सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें DRDO, सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन्वेस्टमेंट के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास कर रही है, इसका फायदा भी अब नजर आने लगा है। इसी कड़ी में सस्ता सोना यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इस बार रिकॉर्ड बिक्री हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जारी तीसरी सीरीज में निवेशकों ने रिकॉर्ड खरीदारी की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस सीरीज में 1,21,06,807 ग्राम की खरीदारी की गई है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने रविवार को कृष्णा गोदावरी घाटी से कच्चे तेल के प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने X.com पर इसकी जानकारी दी है। हरदीप सिंह पुरी ने X पर लिखा, बंगाल की खाड़ी में तट से दूर जटिल और कठिन डीप वाटर KG DWN 98.2 ब्लॉक में पहला ऑयल प्रोडक्शन शुरू। उन्होंने बताया कि यहां से 45,000 बैरल प्रतिदिन तेल निकालने जाने का अनुमान है। अब व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के दौरान यूजर्स मनपसंद गाने को भी साझा कर सकेंगे। मेटा के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग को और अधिक रोमांचकारी बनाने के लिए नया फीचर लेकर आ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वीडियो कॉलिंग के दौरान स्क्रीन साझा करने पर डिवाइस पर चल रहा गाना अथवा ऑडियो भी दूसरी ओर साझा हो जाएगा। व्हाट्सएप का यह फीचर व्यक्तिगत वीडियो कॉलिंग के दौरान भी काम करेगा। यह फीचर समूह बातचीत में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देगा। स्तन कैंसर का पता चलने के बाद 10 में से 6 महिला मरीज ही 5 वर्ष तक जीवित रहती है। हालांकि यह स्थिति पूरे देश में एक जैसा नहीं है। हर राज्य में कैंसर पीड़ित महिलाओं के जीवित रहने की दर भिन्न है, जिसे लेकर विशेषज्ञों ने कैंसर स्वास्थ्य देखभाल को लेकर चिंता भी जताई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और बंगलुरु स्थित राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र ने देश में पहली बार 11 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियां में पंजीकृत 17,331 स्तन कैंसर पीड़ित महिलाओं पर अध्ययन किया है। मालदीव से विवाद में अन्य देशों का भारत के साथ आना चीन को रास नहीं आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को खुले दिमाग से सोचना चाहिए। भारत सोचता है कि क्षेत्र में उसका ही प्रभाव बना रहे, मालदीव और अन्य पड़ोसी उसके हिसाब से चले और चीन से दूर रहें। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत को यह सोचना चाहिए कि दक्षिण एशिया के देशों में चीन को नजरअंदाज नहीं किया सकता है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अभी चीन दौरे पर हैं। SBI ने सोमवार को एक शोध रिपोर्ट में कहा, भारत में महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में के आकार में सुधार को लेकर किए जाने वाले दावे दोषपूर्ण पूर्वाग्रह से ग्रसित और मनगढ़ंत हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनिंदा तबकों के हितों को बढ़ावा देने वाली भी है, जिनके लिए भारत का बेहतरीन उत्थान अप्रिय है। देश का यह उल्लेखनीय उत्थान नए वैश्विक दक्षिण के पुनर्जागरण का संकेत देता है। अर्थव्यवस्था में के आकार के सुधार का मतलब अर्थव्यवस्था के विभिन्न समूहों की असमान वृद्धि है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक खरमास माना जाता है। इस अवधि में नया काम शुरू करना, वाहन या जमीन खरीदने से परहेज करते हैं। फिर भी पिछले साल के दिसंबर में गाड़ियों की खुदरा बिक्री में 21% की इजाफा देखा गया है। वाहन डीलर संघों के महासंघ यानी पाडा ने कहा कि 2023 के कैलेंडर साल में घरेलू बाजार में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 2.38 करोड़ रही है। वहीं साल 2022 में यह आंकड़ा 2.14 करोड़ यूनिट का रहा। इन आंकड़ों में यात्री वाहनों की बिक्री पिछले साल 11% बढ़कर 38.60 लाख इकाई रही है। पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के सांसद की पोस्ट को लेकर मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने अपने ही देश की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मालदीव के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहा। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने कहा कि मालदीव में कभी भी भारतीय सैनिक नहीं रहे हैं। दीदी ने कहा कि मालदीव के साथ भारत का लंबा रिश्ता रहा है और मालदीव की ये परंपरा रही है कि हम सदियों पुरानी परंपरा को कायम न रखने की कोशिश कर सकते हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में वह बात कह दी है जो शायद इस टूल को बनाने वालों को पसंद नहीं होगी। आनंद महिंद्रा ने चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के बाद कहा कि यह प्रभावित करने वाला है लेकिन इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता। महिंद्रा सोमवार को तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में बोल रहे थे। घरेलू बाजार की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। इंडिगो ने जानकारी दी है कि पैसेंजर्स को आगे की सीट जहां लेगरूम के साथ एक्सल सीट होती है वहां के लिए ज्यादा किराया देना होगा। एयरलाइंस के A320 या A320 NEO विमान में 180 या 186 सीटों में से 18 AC सीटें हैं जो आगे की XL सीट होती है। अब इन सीटों के लिए पैसेंजर को ₹2,000 तक अधिकतम किराया देना होगा। वहीं आगे की मिडिल सीट के लिए यात्रियों को अब ₹1,500 तक अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। पहले एयरलाइन कंपनी इन सीटों के लिए 150 से लेकर ₹1,500 तक अतिरिक्त चार्ज वसूलती थी। भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत 16 जनवरी से शुरू होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते नामक समझौते के लिए दोनों पक्षों द्वारा अधिकतर बातों पर बातचीत संपन्न हो चुकी है। अधिकारी ने कहा, बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। दो दौरे की व्यक्तिगत बातचीत और कई अंतर सत्रीय बैठकें पहले ही हो चुकी है। CEPA के तहत शामिल सभी अध्यायों पर अच्छी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर भारतीय प्रवासियों को बधाई देते हुए मंगलवार को एक्सपर्ट एक पोस्ट में कहा, प्रवासी भारतीय दिवस की शुभकामनाएं। यह दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के योगदान और उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। साथ ही उन्होंने कहा, हमारी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनका समर्पण सराहनीय है। वे दुनिया भर में भारत की भावना को मूर्त रूप देते हैं, एकता और विविधता की भावना को बढ़ावा देते हैं। मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 390.88 अंकों की बढ़त के साथ 71,746.10 और निफ्टी 130.40 अंक चढ़कर 21,643.40 पर खुला। कुछ समय बाद सेंसेक्स में 445 और निफ्टी में 141 अंकों की बढ़त देखी गई। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और सिर्फ 2 में गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग, ऑटो और IT शेयर्स में ज्यादा तेजी देखने को मिली। केंद्र ने 11 नौकरशाहों में से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यवाहक निदेशक राहुल नवीन के पद को अपग्रेड कर अतिरिक्त सचिव का पद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 11 अधिकारियों के पदों को अस्थायी रूप से भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। हमारे तरफ पूछ के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे तरफ पूछ के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रनु गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, अमरजीत, ओम शांति, नौशद राजा, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।